वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूँ सहरिश इमरान और आपके साथ आज मैं लेसन नंबर 4 पर्सनल प्रोनाउंस को डिस्कस करूँगी कि हम प्रोनाउंस को किस तरह से जर्मन में यूज़ करेंगे। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोनाउंस इतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जर्मन में हम इसको बहुत सारी टाइप्स में देखेंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस टू बी। फोर डिफरेंट केसेस में पर्सनल प्रोनाउंस की हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस की। जैसे कि हम बात करेंगे सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउंस क्या है, क्या है, किस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए पहला है इश, जिसका मतलब है आई। इश जिसका मतलब है आई। डू, यू, डू, यू। एयर, ही, एयर, ही। जियर, शी, जियर, शी। शी की जगह हम कहेंगे जियर। एस, एस, एट, एस, एट। फिर आगे प्लूरल प्रोनाउंस के बारे में हम बात करेंगे। प्लूरल प्रोनाउंस क्या? वीर, वी, वीर, वी। एयर, यू, एयर, यू। जी, दे, जी, दे। थ्री पर्सनल प्रोनाउंस प्लूरल प्रोनाउंस जैसे कि जी के फॉर्म में, दे प्लस फॉर्मल जिसे हम कहेंगे जियर, जियर। दे को हम और हम फॉर्मल फॉर्म में इसको हम कह सकते हैं जियर। ठीक है, थ्री प्लूरल प्रोनाउंस जैसे कि जी को हम कहेंगे जियर। इसी तरह इश्विन को हम कहेंगे आई एम। डू बिस्त, यू आर। ही, शी, इट, इसकी जगह पे ear, जी, इट्स, एस। ही, ear, शी, जी, इट, इसकी जगह पे इस्त, एस, इस्त, एस। इसी तरह वी आर जिन, वी आर, वी आर जिन, वी आर। ई आर जिन, यू आर। जी आर जिन, दे आर। जी आर जिन, दे आर। अब हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने, हम कैसे बताएंगे कि हम कौन हैं, प्रेजेंटिंग आर सेल्व्स कैसे हम कहेंगे। इश बिन सहरिश, इश बिन सहरिश, आई एम सहरिश, जिसका मतलब है आई एम सहरिश। फिर वे आर बिस्तु, हु आर यू। वे आर बिस्तु, Who are you? इसी तरह से she is tall की जगह पे Zia is brosh, Zia is brosh, she is tall, Zia is brosh. We are here की जगह पे इस्तेमाल करेंगे We are in here, We are in here. We are here, we are in here. You are strong. Ia sit strong. You are strong. Ia sit strong. Ia sit strong. They are noisy. Zia sin loud. Zia sin loud. इसी तरह से इश की जगह आई, यानी आई हम क्या इस्तेमाल करेंगे जर्मन में, इश। दू की जगह पे आप यू की जगह दू कहेंगे।
दे की जगह जी यू ईयर यू ईयर। उम्मीद है आपको हमारा ये लेसन समझ में आया है, पर्सनल प्रोनाउन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये इसके बारे में कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप काइंडली पूछ सकते हैं कमेंट्स के ज़रिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी लेसन सीखें तो उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चूस।